सो गाइज आज हर कोई चाहता है कि मेरे जो व्यूज है वो काफी अच्छे आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओल्ड वीडियो में या तो न्यू वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसमें व्यूज किस तरह से बढ़ा सकते हैं या तो इंक्रीज व्यू किस तरह से कर सकते हैं। तीन ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जिसे आप अपने YouTube चैनल पे आजमाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो व्यूज है वो काफी अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, न्यू व्यूअर्स आएंगे, तो उससे आपकी YouTube चैनल ग्रो होगी और उससे आपको काफी प्रॉफिट भी होगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन की बात करता हूँ, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना। अभी ये ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप अपनी YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो कितनी मिनट तक लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, अभी ऑडियंस रिटेंशन किस तरह से बढ़ा सकते हैं मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पे, तो उसे आपको क्या करना है कि एक ही टैब से आपको वहाँ पे काफ़ी सारे टैब जो होते हैं उसे ओपन करके आपको अपना वीडियो वहाँ पे चलाना है। अभी किस तरह से चलाना है, आप अपने मोबाइल में जो भी कोई नया मोबाइल है तो उसमें आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर है उसे उसमें आपको 4 से 5 टैब ओपन करके आपका वीडियो जो होता है उसे आपको उसमें चलाते रहना है। एक दिन के अंदर आपको 4 से 5 बार चलाते रहना है, तो YouTube को लगेगा कि ये वीडियो पे काफ़ी अच्छी नॉलेज है और इसमें ऑडियंस रिटेंशन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। उसमें 5 मिनट के आपने वीडियो बनाई, 3 से 4 मिनट का अच्छा ऑडियंस रिटेंशन आपको वहाँ पे मिला, तो YouTube आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा और उससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपके व्यूज भी काफ़ी इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बढ़ता है तो आपके व्यूज काफ़ी अच्छे होते हैं, इंप्रेशन भी बढ़ती है तो आपके व्यूज आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और YouTube आपको रीच काफ़ी अच्छी देता है जहाँ पर आपका वीडियो सजेस्ट भी करता है और टाइटल आपको अच्छा भी डालना है। तो इस तरह से आप वहाँ पे व्यूज अच्छे लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जहाँ पर आपका जो टाइटल होता है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि टाइटल में ही आपको वहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करके रखना है। अभी किस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी सारे नए यूट्यूबर जो होते हैं वो उनको टाइटल डालना नहीं आता है, बट आप ओल्ड यूट्यूबर को देखेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल पे अगर व्यूज डाउन हो जाता है तो वो क्लिकबेट करते हैं, कुछ शॉर्ट सा वहाँ पे टाइटल डाल देते हैं, उसकी वजह से उनके जो व्यूज होते हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, उस वीडियो में आपको व्यूज काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और उनकी काफ़ी ऐसी ऑडियंस होती है जो डेड हो जाती है और ये शॉकिंग टाइटल देख के उनकी जो ऑडियंस डेड हो चुकी है वो भी वहाँ पे इंप्रेस बढ़ जाती है, यानी कि उनके जो डेड सब्सक्राइबर है वो भी उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों वहाँ पे सीक्रेट टाइटल डालना, वो भी शॉर्ट टाइटल डालते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा यूट्यूबर है बड़ा यूट्यूबर, तो क्या करता है कि वो डाल देता है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मेरा ये यूट्यूब में लास्ट वीडियो है या तो मेरी यूट्यूब चैनल है, ऐसे टाइटल डालते हैं, उसमें क्लिकबेट बढ़ता है, क्लिकबेट बढ़ने की वजह से उनके व्यूज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से आपको टाइटल डालना है, शॉर्ट टाइटल डालना है और वहाँ पे आपको ऑडियंस को कन्विंस करना है, तो उसी हिसाब से आप अपने जो व्यूज होते हैं उसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी वजह से आपकी यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगी। बात आती है तीसरे पॉइंट के बारे में, जहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा सा टाइटल जो मैंने आपको बताया वो भी डाल दिया, बट आपको क्या करना है कि आपके थंबनेल में भी काफ़ी दम होना चाहिए, तभी जाके आप अपने व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। थंबनेल में दम होना चाहिए यानी कि आपका जो थंबनेल होता है वो क्लिकेबल होना चाहिए, उसमें आपको आपको क्या करना है कि काफ़ी अच्छा तरीके से थंबनेल बनाना, एट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सीख जाइए। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट आती है उसमें आप एट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, तो आपको थंबनेल जो होता है उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस होती है उस थंबनेल पे क्लिक करे और उसकी वजह से आपके जो व्यूज़ होते हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप इस 3 टॉप की मदद से आप आसानी से अपने जो व्यूज़ होते हैं उसे इंक्रीज कर सकते हैं और आप अपनी यूट्यूब चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।